हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय लविंग इंडिया। आज का ये वीडियो है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं आप सबको LIC ऑफ इंडिया की एक बेहद ही खास और शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी। यह स्कीम बेटियों के लिए कन्यादान पॉलिसी के नाम से मशहूर है और साथ ही साथ बेटा और बेटी दोनों के लिए शिक्षा दान पॉलिसी के भी नाम से जाना जाता है। इसे कन्यादान पॉलिसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है पॉलिसी बेटियों की शादी के लिए एक अच्छी रकम अमाउंट सेव कराने में आपकी मदद करता है, ताकि बेटियों की शादी में खर्चों को मैनेज करवाने में आपकी पूरी आर्थिक हेल्प करता है। हम सभी जानते हैं कि बेटियों की शादी में बहुत खर्चा होता है। उन खर्चों से निपटने के लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से और अच्छी तरह से होनी चाहिए। इस पॉलिसी को कोई भी माता पिता अपने नाम से ले सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा है, कम से कम 18 साल होना ही चाहिए। अब आइए बात करते हैं, इस पॉलिसी को आप सभी माता पिता कम से कम 13 साल से लेकर अधिकतम 25 साल तक टर्म ले सकते हैं। यानी इसका जो टर्म होता है वो मिनिमम 13 साल होता है और मैक्सिमम आप 25 साल तक इस टर्म यानी प्रीमियम पेइंग टर्म को ले सकते हैं। अब इसकी जो डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें आपको सिर्फ 10 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा और बाकी 3 साल प्रीमियम जमा नहीं करना होगा। मतलब अगर आप मिनिमम 13 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं तो उसमें आपको 10 साल ही प्रीमियम जमा करना होगा और 3 साल जमा नहीं करना होगा, उसको छोड़ देना होगा। तो आपका 10 और प्लस 3 यानी कि टोटल 13 साल का हो गया। ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि अगर आपने इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी को अगर आपने 25 सालों के लिए लिया है तो आपको 22 साल तक ही इसको जो है प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और 3 साल आपको प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल हो गया 22 प्लस 3 25 साल। अब 13 साल या 20 साल या फिर 25 साल के बाद जैसा कि आप जो है प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं उसके बाद आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको इसमें मिलते हैं पॉलिसी का मैच्योरिटी और आपको मैच्योरिटी के समय में पूरा का पूरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फुल एडिशनल बोनस मिल जाता है और आप अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम की को शिक्षा दान पॉलिसी कैसे कहते हैं या फिर क्यों कहते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये इस स्कीम की बेहद खास बात है। अगर पॉलिसी होल्डर मतलब जिसके नाम से यह पॉलिसी है उसकी अगर डेथ हो जाती है किसी भी कारण से पॉलिसी चलने के दौरान, मतलब अगर 13 साल की टर्म है तो 3 साल के भीतर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 10% हर एक साल LIC देती है, घर के खर्चों को चलाने के लिए या बेटा बेटी की पढ़ाई का खर्च भी उसी में से आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। मतलब तीसरा साल से लेकर 13वें साल तक जब तक यह पॉलिसी चलती है, जब तक एंड टर्म तक, आपको LIC हर एक साल सम एश्योर्ड का 10% आपको हर एक साल देते रहती है आपके फैमिली को या आपके नॉमिनी को। साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ कवर और नेचुरल डेथ कवर का भी पूरी रकम आपको मिल जाता है। अब यह पॉलिसी यही ख़त्म नहीं होती है।
इसमें LIC ऑफ इंडिया आपकी पॉलिसी को चलाता है पूरा टर्म खत्म होने तक। साथ ही साथ आपको एक पैसा भी जमा नहीं करना पड़ता है, एक भी प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ता है। इसको आप एक एग्जांपल से आप ऐसे समझिए, अगर कोई पॉलिसी धारक है उसने 13 साल का टर्म चुना है और बीच में अगर 5 साल के बाद अगर उसकी कोई एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल डेथ हो जाती है तो यह पॉलिसी आपकी वहाँ ख़त्म नहीं होती है। 5 साल के बाद आपके पूरे परिवार को 5 साल के बाद से 13वें साल तक सम इश्योर्ड का 10% आपको LIC हर एक साल पे करती है। साथ ही साथ ये LIC ऑफ इंडिया आपकी पॉलिसी को फ्री में चलाती है पूरे के पूरे 13वें साल तक, और 13वें साल के बाद आपको यह पॉलिसी का मैच्योरिटी हो जाती है, वो आपको फुल रकम फुल बोनस के साथ वो LIC पे करती है आपको। तो है ना ये पॉलिसी एक शानदार पॉलिसी। ये पॉलिसी, इसको शिक्षादान पॉलिसी और कन्यादान पॉलिसी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अगर कोई अनहोनी हो भी जाती है तो आपके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को, उसके फैमिली को किसी भी तरह का, उसके बाद से डेथ के होने के बाद से किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने नहीं देती है LIC आपके नॉमिनी को यानी आपके फैमिली को भी सम इश्योर्ड का 10% पैसे हर एक साल देती भी है और साथ ही साथ आपकी पॉलिसी को एंड तक चलाती भी है और एंड पर मैच्योरिटी भी देती है, जिससे आप अपनी बेटियों की शादी आराम से कर सकते हैं या और भी पारिवारिक इच्छाओं की पूर्ति, जो कि लाइफ के आपके गोल्स होते हैं, वो भी आप इसमें पूरा कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी में जो खासियतें हैं उसको मैं एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉलिसी में सबसे पहली खासियत है कि पॉलिसी टर्म में 3 साल कम प्रीमियम जमा करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने 13 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है तो आपको 10 साल ही प्रीमियम जमा करना होगा और 3 साल आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है, पॉलिसी होल्डर को एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल डेथ से लाइफ कवर दिया जाता है, आपको लाइफ कवर भी आपको मिल जाता है। तीसरा है, उसकी फैमिली को हर एक साल पॉलिसी के एंड तक सम इश्योर्ड का 10% हर एक साल आपकी फैमिली को पैसे दिया जाता है, आपको पे किया जाता है LIC के तरफ से। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद से LIC सारे खर्चे देती है, और साथ ही साथ फोर्थ में क्या है कि वो आपके पॉलिसी को फ्री में एंड तक चलाती है और एंड में आपको मैच्योरिटी भी फ्री में ही मिलता है, सारे के सारे पैसे बोनस के साथ, फुल एडिशनल बोनस के साथ आपका पॉलिसी चलता है और फुल एडिशनल बोनस के साथ में आपको एंड में मैच्योरिटी मिल जाती है। पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद LIC ऑफ इंडिया फ्री में इस पॉलिसी को एंड तक चलाती है, मतलब पॉलिसी होल्डर की फैमिली को 1 रुपया भी जमा नहीं करना पड़ता है, एक भी प्रीमियम देना नहीं पड़ता है, फ्री में यह पॉलिसी आपकी चलती है। और पांचवी खासियत है इसमें कि पॉलिसी के एंड में आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी भी मिल जाती है। तो है ना ये LIC की एक शानदार पॉलिसी, कन्यादान और शिक्षादान पॉलिसी। तो ये था LIC जीवन लक्ष्य के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में LIC ऑफ इंडिया की सेविंग्स और पेंशन की तमाम जानकारी के साथ में, तमाम स्कीम्स के साथ में। थैंक्स। लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी LIC है हर पल आपके साथ। Thanks.